नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं एक कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निम्रा सुंडा जी ने लिखा है। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटमोलॉजी में जो ऑर्डर है एक हेमिप्टेरा। तो हेमिप्टेरा जो ऑर्डर है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आई थिंक ये तीसरा ऑर्डर है। इससे पहले मैं दो ऑर्डर आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको मैं आर्थोपोडा पढ़ा रहा हूँ। तो आर्थोपोडा में कई जो ऑर्डर्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट आर्डर हैं क्लासिफिकेशन में, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है शायद दो मैं पढ़ा चुका हूँ। आज हम तीसरा पढ़ने वाले हैं हेमिप्टेरा के बारे में। हेमिप्टेरा क्या होता है, इसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसमें जो इंसेक्ट पाए जाते हैं वो कैसे दिखते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ होती है, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैमिलीज शामिल हैं, और उन फैमिली में जो इंसेक्ट पाए जाते हैं उनके साइंटिफिक नेम क्या हैं, और वो किन किन पौधों में लगते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, क्योंकि ये चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इसमें कई चीज़ें ऐसी है जो वन लाइनर हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आए। तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले समय में मैं आपको अरुण कत्यान जी की जो वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड है उसको भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहेगा तो मैं उसको भी स्टार्ट करने का प्रयास करूँगा। और उसको जब मैं स्टार्ट करूँगा तो उसमें मैं एंटमोलॉजी, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखा है, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, उसमें बहुत डिटेल में लिखा गया है, तो उससे मैं आप लोगों को और अच्छे से पढ़ा दूँगा। तो अगर आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों के पास वो बुक है तो आप उस बुक से एक बार पढ़ लीजिए, या इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई और दूसरा सोर्स हो जिसमें हेमिप्टेरा के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया गया हो उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद तब इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल, तब आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं हेमिप्टेरा ऑर्डर के बारे में। तो अगर हम इस हेमिप्टेरा ऑर्डर जो होता है इसके अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हेमी का मतलब होता है हाफ और प्टेरा का अर्थ होता है विंग्स, बोले तो हाफ विंग्स। इस ऑर्डर में जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके जो विंग्स होते हैं वो अंडर डेवलप होते हैं, मतलब इनके विंग्स बहुत अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होते हैं कि ये कायदे से उड़ पाएँ। इसमें आते क्या क्या हैं, इसमें बग्स आते हैं, जैसे मिली बग का आपने नाम सुना होगा वो आता है, वाइट फ्लाई आते हैं, इसके साथ साथ एफिड और जैसिड, ये सभी जो इंसेक्ट्स होते हैं, चाहे फिर वो बग हो, चाहे वाइट फ्लाई हो, चाहे एफिड हो या फिर जैसिड हो, ये सभी जितने भी इंसेक्ट हैं ये किस ऑर्डर में आते हैं, ये सभी आते हैं हेमिप्टेरा ऑर्डर में। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, और प्टेरा का मतलब होता है विंग्स। ये हाफ विंग्स होते हैं, बोले तो इनके विंग्स बहुत अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके हम जान सकते हैं कि ये हेमिप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है। तो सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक्स है कि मीजोथेरेक्स रिप्रेजेंटेड डॉर्सली बाय स्केटुलम ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, बात समझना। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, ये मैंने बताया था कि इंसेक्ट का जो थोरेक्स होता है, इंसेक्ट की बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स और एबडोमिन। अब इसमें जो थोरेक्स जो बीच वाला पार्ट होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। तो इसमें जो आपका मीजोथोरेक्स होता है, बोले तो ये थोरेक्स में जो बीच वाला पार्ट होता है, यानी कि बीच वाले पार्ट में भी बीच वाला जो पार्ट, थोरेक्स का जो बीच वाला पार्ट होता है जिसको हम मीजोथोरेक्स कहते हैं, उसमें एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर बनता है। इस ट्रायंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर एक त्रिभुजाकार होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। ये क्या होता है, एक ट्रायंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इससे आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो इंसेक्ट है वो किस ऑर्डर का है, ये जो इंसेक्ट है वो हेमिप्टेरा का है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है त्रिभुजाकार, इसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। ठीक, माउथ पार्ट्स आर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। इस ऑर्डर में जितने भी इंसेक्ट होते हैं इनका जो माउथ पार्ट होता है वो पियर्सिंग और सकिंग टाइप का होता है। जब मैं माउथ पार्ट के क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिनमें जो पाए जाने वाले इंसेक्ट होते हैं उनके माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, पियर्सिंग और सकिंग टाइप की, मतलब चुभोने वाले और चूसने वाले, जैसे मच्छर होता है इस टाइप के माउथ पार्ट्स इनमें पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि पहले तो
पियर्सिंग करते हैं, बोले तो चुभोते हैं, और उसके बाद सकिंग टाइप मतलब चूसते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लेब्रम, जिसको हम बोलते हैं रोस्ट्रम हैज फोर स्टाइल्स। ये इसका जो लेब्रम होता है, लेब्रम बोले तो ऊपरी ओंठ जो होता है, इसमें दो चीज़ें अटैच होती हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है मैंडिबल और एक होता है मैक्सिली। तो मैंडिबल और मैक्सिली एक एक जोड़ी होते हैं, बोले तो चार होते हैं। दो मैंडिबल्स होते हैं, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, और दो मैक्सिली होते हैं, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। ये दोनों क्या करते हैं? इन दोनों जो जोड़े होते हैं, इनका काम होता है जो फूड होता है उसको कायदे से पकड़ें और फूड कैनाल में कायदे से लेके चला जाएं। ऊपर से लेब्रम और नीचे से लेबियम, ऊपर से लेबियम नीचे से लेब्रम, ये फूड को पकड़ता है, और दाएं बाएं से इसका जो मैंडिबल्स और मैक्सिला होता है वो सपोर्ट करता है, और जो फूड मटेरियल ये पकड़ा रहता है वो फूड कैनाल में आराम से चला जाता है। अब बात करते हैं एपिकल पोर्शन ऑफ फोर विंग्स आर मेम्ब्रेनस। बोले तो एपिकल पोर्शन जो होता है, एपिकल पोर्शन की विंग्स जो होती हैं वो कैसा होता है? वो मेम्ब्रेनस होती हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमको ये देखने को मिलेगा कि इस ऑर्डर में जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इनके अगर हम विंग्स को ध्यान से देखें तो इनकी विंग्स में एक ढेर सारी ये मेम्ब्रेन पाई जा रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ढेर सारी मेम्ब्रेन्स दिख रही होंगी। यही मेम्ब्रेन क्या फॉर्म करती हैं? हिमेलाइट्रा फॉर्म करती हैं, और इन्हीं को जो ये विंग्स मेम्ब्रेन्स होती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं? हिमेलाइट्रा फॉर्म करती हैं। अब आगे हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस की। यहाँ से ये अगली लाइन है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया लिखने में। मेटामॉर्फोसिस इज़ इनकम्प्लीट, बोले तो ग्रेजुअल होता है, इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था कि जब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है तो उसमें इंसेक्ट के तीन स्टेज होते हैं, एग निम्फ और सॉरी एग लार्वा प्यूपा और एडल्ट। क्या क्या? एग लार्वा प्यूपा और एडल्ट, चार होते हैं स्टेप अगर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। वहीं अगर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, बोले तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि इसमें केवल तीन स्टेज पाई जाती हैं। पहला तो एग पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है निम्फ, और तीसरा एडल्ट। बोले तो एग होता है, एग के बाद निम्फ बनता है, और निम्फ के बाद तुरंत एडल्ट आ जाता है। इसमें केवल तीन ही स्टेज होती हैं इस ऑर्डर में। इसी वजह से कहा जाता है कि हेमिप्टेरा जो ऑर्डर होता है इसके अंडर जो मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है वो कैसी होती है? इनकम्प्लीट टाइप की मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर पाई जाती है। अब ये जो ऑर्डर है हेमिप्टेरा, ये आगे दो सब ऑर्डर में डिवाइड करा गया है। इन सब ऑर्डर्स का क्या नाम है? पहला तो है हेट्रोप्टेरा, जिसमें आता है प्लांट बग, जितने भी बग होते हैं वो किस में आते हैं? हेट्रोप्टेरा में। और दूसरा जो होता है वो होता है होमोप्टेरा, इसमें एफिड, लीफ फ्लाई, वाइट फ्लाई, जेसिड, साइलिड्स और मिलीबग्स, ये सभी आते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। जबकि ये प्लांट बग जो होती है इनकी बॉडी उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती जितनी होमोप्टेरा की बॉडी सॉफ्ट होती है। इनकी जो बॉडी होती है बड़ी सॉफ्ट होती है, चाहे अगर आप लीफ हॉपर को देख लीजिए या फिर व्हाइट फ्लाई या एफिड जेसिड को देख लीजिए, इन सब की बॉडी जो होती है बड़ी सॉफ्ट होती है। वहीं अगर हम बग की बात करेंगे तो बग ऐसे होता है, इसको गुबड़ैला भी बोलते हैं, गुबड़ौला भी बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। वो किस में आता है? वो हेट्रोप्टेरा में आता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं जो सब ऑर्डर होता है हेट्रोप्टेरा। हेट्रोप्टेरा में कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पहली जो फैमिली है वो है मिरिडी, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिडी। मिरिडी या फिर कैप्सिडी जो फैमिली होती है इसके अंदर जो दो मेजर इंसेक्ट आते हैं, सबसे पहला इंसेक्ट है सोरघम ईयरबग। सोरघम ईयरबग जो होता है वो इस तरीके से देखने में लगता है, इस तरीके से दिखता है सोरघम ईयरबग। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है सोरघम ईयरबग का, ये होता है कैलोकोरियस नेग्रस्टस। क्या होता है? कोलोकोरियस एनगस्टस, सॉरी एनगस्टस, कोलोकोरियस एनगस्टस। फिर अगला अपना है टी मॉस्किटो बग। टी मॉस्किटो जो बग होता है ये इस तरीके से दिखता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है हेलोपेल्टिस थ्रायोबोरा एंटोनी। हेलोपेल्टिस थ्रायोबोरा एंटोनी जो होता है वो टी मॉस्किटो बग का साइंटिफिक नेम होता है। इट काजेज वर्ट लाइक आउटर ग्रोथ। अब क्या होता है कि
कि जब टी मॉस्किटो बग किसी भी टी में लग जाता है, किसी भी प्लांट में लग जाता है, टी प्लांट बोले तो चाय की पत्ती वाले प्लांट में अगर लग जाता है, तो वहाँ पर एक वर्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। वर्ट अगर हम बात करें तो वर्ट एक पैथोलॉजी का एक टर्म होता है। इसको जब आगे हम पढ़ाएंगे, जैसे ही एंटोमोलॉजी खत्म होगा तुरंत हम पैथोलॉजी पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कि वर्ट क्या होता है। फिलहाल आप ऐसे देखना कि एक सुपरफिशियल टाइप की ग्रोथ हो जाती है, एक थोड़ा सा ऐसा दाने टाइप का एक ग्रोथ हो जाता है, जिसको हम वर्ट लाइक स्ट्रक्चर आउटर ग्रोथ बोलते हैं। ये किस में होता है? गुआवा फ्रूट में होता है। बात समझना, टी मॉस्किटो बग एक तो टी में तो नुकसान करता ही है, और उसके साथ साथ जो गुआवा का फ्रूट होता है उसमें ये आउटर ग्रोथ दिखा देता है, वर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे लिल्ला निकल गया, जैसे आदमी के बॉडी में लिल्ला निकल जाता है, उस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर अपनी जो अगली फैमिली है, वो अगली फैमिली है पायरोक्वायरिडी। अब इस फैमिली में क्या आता है अपना? इस फैमिली में आता है रेड कॉटन बग, बोले तो रेड कॉटन बग। इस तरीके से रेड कॉटन बग आपको दिखता है, ये कॉटन में लगता है, जिसको हम कॉटन स्टेनर्स भी बोलते हैं। इसके अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें, डायस्ड्रकस सिंगुलेटस, क्या होता है? डायस्ड्रकस सिंगुलेटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कॉटन बग। फिर आगे हम बात करते हैं जो अगली फैमिली आती है हेट्रोप्टेरा में, अगली फैमिली है कोरिडी, जिसको हम बोलते हैं लीफ फूटेड बग। ये प्रेजेंस ऑफ सेंटेड ग्लैंड्स, इसके अंदर प्रेजेंस होता है, सेंटेड ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब सेंट ग्लैंड प्रेजेंट होता है किसके अंदर? जो आपके आते हैं कोरिडी फैमिली के अंदर। इसमें क्या आता है? लीफ फूटेड बग आता है, जिसमें राइस गंधी बग होता है। एक चीज़ और बताऊँ, इसमें सेंटेड ग्लैंड्स होती हैं, मतलब इनको जैसे ही लगेगा कि कुछ डेंजरस है, ये क्या करती हैं कि एक बहुत ही बदबूदार सा सेंट छोड़ती हैं, जिससे बहुत बदबू आती है। आप लोगों ने राइस गंधी बग जो होता है आपने देखा होगा, अगर वो आपके कहीं शर्ट पे या कहीं हाथ वाथ में कभी टच हो जाए तो इतनी बदबूदार वो वहाँ पर स्मेल छोड़ देती है। फिर आपको किसी भी चीज़ से, आप चाहे अल्कोहल से साफ़ कर लें, चाहे किसी भी चीज़ से साफ़ कर लें, लेकिन वो तुरंत ही नहीं जाता है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। फिर धीरे 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 करके 10-5 मिनट 20 मिनट 25 मिनट में तब वो चला जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका करेक्टरिस्टिक्स होता है, लीफ फुटेड जो बग्स होते हैं। इसमें राइस गंदी बग होता है। इसके अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो लेप्टोकैरिका एक्यूटा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस गंदी बग, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। उसके बाद पल्स पॉड बोरर, जिसको हम बोलते हैं रिप्टोरस स्पेसीज, रिप्टोरटस स्पेसीज जो होता है वो पल्स पॉड बोरर का होता है, पल्स पॉड बग का होता है। इस तरीके से आपको पल्स जो पॉड बग होता है वो दिखता है। आगे बात करते हैं टूअर पॉड बग, जिसको हम बोलते हैं क्लेविग्रेला गिब्बोसा, क्या होता है? क्लेविग्रेला गिब्बोसा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टूअर पॉड बग। टूअर पॉड बग इस तरीके से दिखता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? क्लेविग्रेला गिब्बोसा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टूअर पॉड बग। फिर आगे हम अगली जो फैमिली की बात करेंगे जो कि हेट्रोप्टेरा में आता है, वो है पेंटाटोमाइडी, क्या होता है? पेंटाटोमाइडी बॉडी इज सील्ड लाइक स्ट्रक्चर। इसकी बॉडी कैसी होती है? सील्ड लाइक होती है। इसकी बॉडी कैसी होती है? सील होती है। सील आपने नाम सुना, घोंघा, उस टाइप की बॉडी होती है इसकी। पॉइंटेड बग सिट्रस, इसमें क्या होता है? पॉइंटेड बग ऑफ पेंटेड बग ऑफ क्रूसीफर्स, इस तरीके का होता है। यह क्रूसीफेरी फैमिली में ज़्यादातर लगता है। क्रूसीफेरी फैमिली बोले तो आपका क्या होता है? क्रूसीफेरी बोले तो सरसों वाली फैमिली, समझ रहे हो? इसमें सरसों आता है और मूली आती है। इसकी अगर हम बात करें तो साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है? बैग्रेडा क्रूसीफेरम, क्या होता है? बैग्रेडा क्रूसीफेरम होता है। आगे हम बात करते हैं जो अगला सब ऑर्डर है होमोप्टेरा। होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म और टेरा का मतलब होता है विंग्स। इनकी जो विंग्स होती है वो यूनिफॉर्म टाइप की विंग्स होती है, मतलब हर तरफ से पूरी विंग्स जो होती है वो एक ही जैसी देखने में लगती है। यूनिफॉर्म टेक्सचर फ्रॉम द फ्रंट विंग, जो फ्रंट विंग होती है इसकी, बोले तो ऊपर से अगर इसकी इसके पर को देखोगे तो एक ही कलर का दिखेगा, वहीं अगर आप इन सब में देखोगे तो आपको एक कलर का पर नहीं दिख रहा, आपको देखने को मिलेगा कि पर के इसमें ढेर सारे कलर हैं, जो हेट्रोप्टेरा है। जबकि होमोप्टेरा जो है,
होमोप्टेरा में जो आपको बग देखने को मिलेगा, इसमें जो ऊपर वाला जो पर होता है ये देखने में बिल्कुल एक जैसा लगता है, बिल्कुल इसका जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल होमोजेनियस होता है, एक टाइप का होता है। ऑल आर टेरेस्ट्रियल होते हैं, बोले तो ये टेरेन पे रहते हैं, ना तो ये हवा में रहेंगे और ना ही ये पानी में रहेंगे। इनको कहाँ चाहिए, ये ज़मीन पर ही रहते हैं, मतलब पेड़ पौधे पत्तियाँ, मतलब किसी सतह पर ही ये रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पानी पे चले जाएं या फिर हवा में, हवा में बहुत देर तक नहीं रहेंगे, उड़ेंगे और फिर किसी दूसरी जगह पर बैठ जाएंगे। तो जितने भी इसमें इंसेक्ट पाए जाते हैं सब टेरेस्ट्रियल होते हैं और प्योरली फाइटोपाइखस सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट होते हैं। मतलब ये जो इसमें इंसेक्ट पाए जाते हैं ये टोटली फाइटोफैगस होते हैं, बोले तो ये केवल और केवल पौधों के लिए ही हानिकारक होते हैं। फिर से एक बार बता दूं, फाइटोफैगस का मतलब होता है ये जितने भी इंसेक्ट होते हैं सब केवल और केवल पौधों के लिए ही हानिकारक होते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होती है। इनका जो ऊपरी ऑर्गन होता, मतलब इनकी जो ऊपरी त्वचा होती है, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इन सम इंसेक्ट वैक्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, इसमें जो इस ऑर्डर में जो पाए जाने वाले इंसेक्ट्स हैं उनमें कुछ ऐसे भी इंसेक्ट पाए जाते हैं जिनकी बॉडी में वैक्स ग्लैंड पाई जाती है, बोले तो मोम की ग्लैंड पाई जाती है। इनके बॉडी में एक फिल्टर चैम्बर भी पाया जाता है जो कि चीज़ों को फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें अगर हम फैमिली की बात करें, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैमिली आती हैं, तो इसमें जो सबसे पहली फैमिली आती है एफिडी, एफिडी जो फैमिली है इसमें एफिड आता है जिसको हम प्लांट लॉक भी बोलते हैं। द बॉडी इज पर्ल शेप्ड, पर्ल शेप्ड का मतलब आपने देखा होगा, पर्ल का मतलब होता है घोंघा, उस शेप की इसकी बॉडी होती है। सॉरी, पर्ल जो होता है, पर्ल का मतलब होता है मोती, आपने देखा होगा सीप वाली जो मोती होती है उस टाइप का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो बॉडी होती है वो मोतियों जैसी लगती है, छोटी छोटी, ठीक। इन एफिड रिप्रोडक्शन चीफली बाई पैथोजेनेटिकली एंड फाउंड बीबी पैरिटी। देखो, एक तो होता है, दो टर्म होते हैं, मैं आपको बता दूं, दोनों टर्म के आपको बता दूं, एक तो होता है बीबी पैरी और जो दूसरा टर्म है वो ओवी पैरी होता है, ठीक, बीबी पैरी और ओवी पैरी। अब ओवी पैरी में क्या होता है कि एक अंडा बनता है और उसी अंडे से पोषण दिया जाता है किसको, एम्ब्रायो को, मतलब जो भ्रूण होता है उसको पोषण कहाँ से मिलता है, अंडे से मिलता है। मतलब पहले अंडा निकल जाएगा, फिर उसी अंडे से फिर जो एम्ब्रायो है उसको एनर्जी मिलती रहती है। जैसे मुर्गी है, मुर्गी में क्या होता है कि मुर्गी का जो एम्ब्रायो होता है, बोले तो मुर्गी का जो भ्रूण होता है उसको इनिशियल स्टेज में, शुरुआती दिनों में कहाँ से एनर्जी मिलती है, उसी अंडे से। अंडे के पास जो एनर्जी होती है, फूड मटेरियल होता है, उसी से एनर्जी मिलती है। फिर धीरे धीरे जब वो चूजा बड़ा हो जाता है तो अंडे की कवर को तोड़कर बाहर निकल जाता है। तो ये तो हो गया ओवी पैरी। और बीबी पैरी में क्या होता है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर ही होता है, मदर की बॉडी में, और जो न्यूट्रेंट लेता है वो एम्ब्रायो वो डायरेक्ट मम्मी की बॉडी से लेता है, बोले तो मदर की बॉडी से डायरेक्ट लेता है, उसमें अंडे जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है। तो वीवी पैरी में यही होता है। तो जितने भी एफिड होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, वीवी पार्टी पाया जाता है, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं जनरेशन की, बोले तो एक साल में आपका जो एफिड होता है लगभग 45 जनरेशन कंप्लीट कर लेता है। ऐसे समझना कि लगभग कितने दिन में, लगभग 7 से 8 दिन, 9 दिन में ये अपना, सात से आठ दिन में ऐसे कंप्लीट कर लेता है। 365 आप ऐसे डिवाइड कर लेना तो 752, हाँ तो वही 8 दिन के आसपास में ये अपना जो है अपना पूरा जनरेशन पूरा कर लेता है। मतलब एक एक जनरेशन पैदा होगा और मर जाएगा, एक साल के अंदर 45 जनरेशन इसकी पूरी हो जाती हैं। ऑन डॉर्सल साइड ऑफ, एक चीज़, गलती हो गई, 45 जनरेशन पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि यार ये मर जाएगा, मतलब एक पैदा हुआ और मतलब 8 दिन के अंदर मर जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि पैदा होगा, 4-5 दिन के अंदर ही वो बड़ा हो जाएगा, फिर उसके 4-5 दिन के अंदर वयस्क होके
फिर वो 2-3 दिन के अंदर अपना अंडा दे के फिर एक बच्चा पैदा कर देगा, मतलब 8 से 8 ही दिन के अंदर वो पैदा होगा, जवान होगा और एक बच्चे को पैदा कर देगा। तो ये हो गया एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन इस तरीके से। हो सकता है इसकी लाइफ साइकिल आगे ज़्यादा लंबी हो, उसके बारे में इसमें लिखा नहीं है और मेरे जानकारी भी नहीं है, तो 45 जनरेशन इस तरीके से वो पूरा कर सकते हैं। अब इनकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है ये तो बाद में देखने वाली बात होती है। आगे बात करते हैं ऑन डॉर्सल साइड, बोले तो ऊपर की जो साइड होती है, 5 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पाए जाते हैं इनके एफिड के अंदर। मैंने जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो एब्डोमिन होता है, हेड थॉरेक्स और एब्डोमिन, इंसेक्ट का जो पीछे वाला सबसे पार्ट होता है, यानी कि इसे समझ लो आंत वाला जो पार्ट होता है जहाँ पर खाना पचना स्टार्ट होता है, उस पार्ट्स में सेगमेंट होते हैं, 5, 6, 7, 8, 10, 12 ऐसे सेगमेंट होते हैं। तो जो एफिड होते हैं इनकी बॉडी में कितने पाए जाते हैं, 5 से 6 सेगमेंट पाए जाते हैं अगर इनकी डॉर्सल साइड से देखोगे ऊपर से, मतलब ये अपने पंख जब उड़ाएगा तो डॉर्सल जो पार्ट्स होता है वो खुल जाता है, वो दिखने लगता है, ये पंख हटाएगा तो दिखने लगता है। तो वो कितने होते हैं, इसमें 5 से 6 ही पाए जाते हैं डॉर्सल सेगमेंट। अब इसमें से क्या होता है कि हनी ड्यू सब्सटेंस सिक्रेट किए जाते हैं इन्हीं हनी ट्यूब से, इसके अंदर हनी ट्यूब्स पाई जाती है इन्हीं सेगमेंट्स के अंदर, और इसी से क्या निकलता है फिर आपका, इसमें से हनी ड्यू निकलता है। आगे बात करते हैं एफिड्स फीड ऑन फ्लोएम। एफिड जो होता है ये प्लांट का जो फ्लोएम होता है, जैसे जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स, ये सभी चीज़ें होती हैं, तो एफिड जो होता है वो कहाँ से फीड करता है, मतलब कहाँ से सक करके अपना भोजन लेता है, तो वो सक करके भोजन अपना लेता है फ्लोएम से, मतलब पौधों के अंदर जो फ्लोएम वाला पार्ट होता है वहाँ पर ये सक करेगा और वहाँ से फिर चूस के निकाल लेगा अपना न्यूट्रेंट, मतलब चुहोएगा और फिर चूसेगा, ठीक, एफिड इस तरीके से काम करता है। वहीं अगर हम लीफ हॉपर की बात करें तो ये कहाँ से करता है, वो कॉर्टिकल सेल होती है, जो हमारी कॉर्टिकल सेल्स होती हैं, कॉर्टेक्स वाली जो सेल होती है वहाँ पर ये पेनिट्रेट करेगा और वहाँ से फिर अपना फूड मटेरियल प्राप्त करता है। इसके बारे में अगर हम बात करें कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आता है मस्टर्ड एफिड, जिसका साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, लिपापसिस एरिसेमी, इस तरीके से देखने में आपको मिलेगा जो मस्टर्ड का एफिड होता है। उसके बाद ग्रीन पीच या पोटैटो का एफिड जो होता है, मैजिस पर्सिकी, वो इस तरीके से दिखता है, बिल्कुल इस तरीके से होता है। इसमें जितना भी आप देख रहे हैं सबकी बॉडी सॉफ्ट बॉडी होती है क्योंकि ये सभी होमोप्टेरा के हैं। फिर कॉटन एफिड इस तरीके से होता है जिसको हम बोलते हैं एफिस गोसिफी। उसके बाद मेज कॉर्न लीफ एफिड, ये होता है रोफेलोसिफम मेडिस, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा मेज कॉर्न लीफ एफिड जो होता है। इसके बाद जो आपका वीट एफिड होता है इस तरीके से देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसिफम मिसकैंथी जो होता है, इसको हम वीट एफिड बोले तो गेहूं का एफिड बोलते हैं, इस तरीके से आपको देखने को ये मिलेगा। अगला होता है एप्पल बूढ़ी एफिड जो होता है एरियोसोमा लॉन्जिगेरम जो होता है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एप्पल बूली एफिड, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आगे अगली फैमिली की जो बात करते हैं तो आपकी अगली जो फैमिली है वो है लेसिफेरिडी, बोले तो लाख वाले इंसेक्ट इसके अंदर आते हैं। लाख इंसेक्ट जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है लेसिफर लाका, इसमें जो फीमेल होती है वही लाख बनाती है, इस तरीके से आपको लाख के इंसेक्ट देखने को मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, इस तरीके से इनकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होती है इनके लाइफ साइकिल में और ये हर समय पर अलग अलग तरीके से दिखते हैं। वहीं अगर हम आगे बात करें तो अगली जो हमारी फैमिली है वो है मारगरोडेई, ये फैमिली होती है स्केल्स इंसेक्ट की जिसको हम बोलते हैं कॉटनी कुजन स्केल्स ऑन सिट्रस जो होता है आइक्राया पुरसेसी जो होता है, या कॉटन कुजन स्केल जो इंसेक्ट होता है इस तरीके का देखने को लगता है, ये होता है कॉटन कुजन स्केल, इसका साइंटिफिक नेम होता है। फिर आगे हम बात करते हैं मैंगो मिलीबग का जो साइंटिफिक नेम हो ड्रोसीचा मैंगी फेरी है,
ये आपको इस तरीके से मैंगो मिलीबग देखने को मिलता है। फिर अगले अगर हम बात करें तो अगला जो फैमिली होती है, अगली फैमिली जो होमोप्टेरा में आएगी वो आएगी स्यूडो कॉकिडी। स्यूडो कॉकिडी बोले तो मेलीबग वाली जो फैमिली होती है ये स्यूडो कॉकिडी आती है। अब इसमें आता है फीमेल ओवल शेप की होती है, मतलब इसकी जो फीमेल होती है ऐसे ओवल शेप की होती है। ओवल शेप समझते हो, मतलब यार थोड़ा अंडाकार जैसे ही, मतलब ऐसे ओवल शेप मतलब अंडाकार होता है। और इलोंगेटेड शेप, ओवल और इलोंगेटेड इन शेप एंड बॉडी कवर्ड विथ व्हाइट वैक्स। इनकी जो बॉडी होती है उस पर एक सफ़ेद सफ़ेद सी वैक्स टाइप की लगी होती है। जब इसको अगर आप इस पर इसकी बॉडी पर ऐसे रगड़ेंगे तो आपको हाथ पे ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर जैसा लग जाएगा। इसमें आता है कौन कौन सा इंसेक्ट, इसमें इंसेक्ट आता है सिट्रस मिलीबग। सिट्रस मिलीबग का जो साइंटिफिक नेम होता है प्लेनोकोकस सिट्री। इस तरीके से आपको सिट्रस मिलीबग देखने को मिलता है। उसके बाद फिर है आपका कॉटन मिलीबग। इस तरीके से कॉटन मिलीबग होता है जिसको हम साइंटिफिक नेम होता है मकोनोल्यूकोकस हिरसुटस। क्या होता है? मकोनोल्यूकोकस हिरसुटस, ये होता है आपका कॉटन मिलीबग का साइंटिफिक नेम। आगे आपका हम बात करते हैं फाइसली। फाइसलीडी फैमिली जो होती है इसमें हम आता है प्लांट जंपिंग लॉक, ये होता है जिसमें सिट्रस पायरिल्ला आता है। पायरिल्ला किस फैमिली से है? फाइसलीडी फैमिली से आता है। ये आता है डायफोरेना सिट्राइस, जो सिट्रस पायरिल्ला होता है इस तरीके से देखने में रहता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? डायफोरेना सिट्राई। फिर अगला है अपना सीकेडिलेडी। ये कौन सी फैमिली है? ये फैमिली है जेसिडी फैमिली, जिसको हम जेसिडी भी बोलते हैं। इसमें क्या आता है? लीप हॉपर आता है। इनकी जो बॉडी होती है विंग शेप की होती है। विंग शेप का मतलब होता है, इसको ध्यान से समझना, देखो इस इंसेक्ट को अगर मैं ऐसे काट दूं, ठीक आधे पे काट दूं, तो इसके दो टुकड़े निकलेंगे, दोनों टुकड़े इस तरीके से दिखेंगे, समझ पा रहे हो? इसको जब ऐसे काटोगे और जहाँ से कट लगा रहे हो अगर उधर से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, मतलब ऊपर ये है, एक पंख इधर को रहेगा, एक पंख इधर को, और ये नीचे रहेगा, ठीक। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं विंग शेप, मैंगो लीफ हॉपर इसके अंतर्गत आता है। और मैंगो लीफ हॉपर जो इसके अंदर आता है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है एडियोस्कोपस क्लाइपेलिस या एडियोस्कोपस स्पेसीज होता है, या फिर अमरीटोइडस एटकिनसोनी भी इसको कहा जाता है। इस तरीके से आपको मैंगो लीफ हॉपर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें पैडी लीफ हॉपर की तो नेपोथेटिक्स वेरिसेंस होता है। इस तरीके से आपको पैडी लीफ हॉपर देखने को मिलेगा जिसको GLH बोलते हैं, ग्रीन ग्रीन लॉक हॉपर, ठीक, ग्रीन लीफ हॉपर या फिर पैडी लीफ हॉपर कहते हैं इसको। कॉटन या फिर जेसिड में क्या होता है? अमेरस्का बिगुटुला बिगुटुला, अमेरस्का बिगुटुला बिगुटुला इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉटन जेसिड। कॉटन जेसिड जो होता है इस तरीके से दिखता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है अमेरस्का बिगुटुला बिगुटुला। फिर आगे बात करते हैं जो अपनी अगली फैमिली है। अगली अपनी जो फैमिली आती है वो आती है डेल्फिसिडी। डेल्फेसिडी जो फैमिली होती है इसके अंदर प्लांट हॉपर्स आते हैं, जिसमें व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर आता है जिसको हम व्हाइट WBPH बोलते हैं, व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सोगेटेला फुर्सीफेरा। सोगेटेला फुर्सीफेरा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाइट ब्लैक्ड बैग्ड प्लांट हॉपर। फिर ब्राउन प्लांट हॉपर जो होता है BPH, नीला परवर्टा लिजेंस होता है, इस तरीके से ब्राउन प्लांट हॉपर दिखता है। और व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर इस तरीके से दिखता है। वहीं अगर हम बात करें BPH बोले तो ब्राउन प्लांट हॉपर, ये कैसा होता है? जिसको राइस ग्रेसी स्टंट जिससे फैलता है। BPH जो ब्राउन प्लांट हॉपर होता है ये कुछ बीमारियां फैलाता है। देखो ध्यान से समझना, जो BPH होता है बोले तो ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसका साइंटिफिक नेम होता है नीला परवाटा लीजेंस, इस तरीके से जो दिखता है, ये क्या फैलाता है? दो तरीके की बीमारी फैलाता है राइस में। एक तो होता है राइस रेड स्टंट, इस तरीके से होता है जिसमें पत्तियां जो होती हैं ऐसे मुड़ जाती हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और दूसरा जो फैलाता है वो राइस ग्रासी स्टंट वायरस फैलाता है। इसमें क्या होता है कि जो राइस का अफेक्टेड प्लांट होता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है और जो उसमें ब्रांचिंग होती है वो बहुत ढेर सारी हो जाती है। कहने का मतलब कि इसमें ब्रांच तो खूब ढेर सारी निकल जाएगी,
मतलब जड़ बड़ी मोटी सी हो जाएगी, बहुत मोटा सा एक जगह निकल जाएगा, लेकिन इनकी ग्रोथ ऊपर को नहीं होगी, मतलब इनकी ग्रोथ ऊपर की तरफ रुक जाती है, लंबाई में बढ़ना बंद कर देते हैं। फिर वहीं अगर हम आगे बात करें तो हमारी जो अगली फैमिली है एरोप्लेन बग की, जिसको हम बोलते हैं लोफेडी फैमिली, लोफेडी की जो फैमिली होती है इसमें आता है आपका सुगर केन लीफ हॉपर। सुगर केन लीफ हॉपर जो होता है वो पायरिल्ला परपियोसिल्ला के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से सुगर केन लीफ हॉपर होता है किसके नाम से जाना जाता है, पायरिल्ला परपियोसिल्ला। अब ध्यान से देखना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को लगता होगा कि यार बड़ा फालतू का चीज़ है। देखो एक चीज़ और समझ लेना, थोड़ा सा मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इंसेक्ट्स में आपको जानना ज़रूरी है कि किस ऑर्डर का है, ठीक। ऑर्डर आप जान लीजिए और इसके साथ साथ आप उसका साइंटिफिक नेम जान लीजिए, ठीक। दो ही चीज़ें जानना ज़रूरी है और बाकी तो क्लास तो आपको पता ही है, क्लास तो खैर कोई उसमें बड़ी बात नहीं होती है। आपको ऑर्डर जानना है और साइंटिफिक नेम जानना है, बाकी और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली की बात आप ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, जैसे अभी मैं फैमिली नहीं जानता, मैं खुद ही नहीं जानता फैमिली, क्योंकि कभी काम ही नहीं लगता। देखो यार एक चीज़ बताऊँ, विद्वान नहीं बनना अपने को, यार इतना पढ़ना है जितने से अपना काम चल जाए। तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, नौकरी वाले कम्पिटिटिव एग्जाम ज़्यादातर मैंने देखा है, उसमें आज तक जितना भी मैंने PYEQ देखा है उसमें, या फिर और भी जो एग्ज़ाम मैंने दिया है उसमें, मुझे कभी भी ऐसा फेस नहीं करना पड़ा कि किसी भी इंसेक्ट की फैमिली पूछी गई हो। अगर पूछी भी जाती है तो FL का, जैसे एफिड है तो एफिडी फैमिली, मतलब ऐसे राइमिंग टाइप की फैमिली, बड़ी आसान वाली फैमिली पूछी जाती है। तो अगर आपको फैमिली नहीं पता है तो इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यू मस्ट नो अबाउट द ऑर्डर ऑफ द इंसेक्ट एंड यू मस्ट नो द नेम ऑफ देयर साइंटिफिक नेम ऑफ द इंसेक्ट्स एंड द कॉमन नेम ऑफ द इंसेक्ट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दैट इंसेक्ट, ठीक, और कौन कौन सा इसका होस्ट प्लांट होता है, ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो QR कोड आगे आपको दिया जाएगा उसको आप स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा PPT बनाने में और दूसरी चीज़ों को करने में जो हमारी जो टीम है उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।